रिमझिम बारिश की फुहारों के बीच छोटी काशी में हाथी घोड़े के लवाजमे के साथ तीज माता की शाही सवारी निकाली गई। हरियाली तीज के मौके पर राजधानी जयपुर में तीज माता की भव्य सवारी देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। तीज माता की सवारी देखने के लिए लोग त्रिपोलिया गेट से लेकर ताल कटोरा तक डटे रहे। शाही ठाट बाट के साथ राजस्थान के लोक कलाकारों ने राजस्थान की संस्कृति की छटा यहाँ पर बिखेरी। सिटी पैलेस से बैंड की मधुर धुनों और ढोल नगाड़ों के साथ तीज माता की शाही सवारी जैसे ही निकली, महिलाओं ने तीज माता के दर्शन कर अखंड सौभाग्य की कामना की। लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां देकर पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पर्यटन विभाग ने विभाग की वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तीज माता की शाही सवारी की लाइव स्ट्रीमिंग भी की, तो वहीं बड़ी संख्या में दर्शकों ने घर बैठे ही तीज माता की सवारी का आनंद लिया। शाही लवाजमे में सजे धजे हाथी, ऊंट और उन पर सवार लंबी लंबी मूछें लहराते लोक कलाकार, राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। काल बेलिया, कच्ची घोड़ी सहित कई तरह के नृत्य कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भव्य आतिशबाजी और कलाकारों के साथ पर्यटक सेल्फी लेते हुए नजर आए। इस बार एक तो हमने जो हमेशा की तरह काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, तो बाहर भी हम लोग देख पाए इसको, तीज फेस्टिवल को। तो एक तो डिजिटली इसको ऑनलाइन किया, लाइव किया है, तो अपना जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का DYT का जो पोर्टल है उस पर, प्लस जो भी वीडियो वॉल्स हैं राजस्थान में डिजिटल, वो उस पर सब पे लाइव है ये। इसके साथ साथ जयपुर शहर में भी हमने 5 से ज़्यादा जगह पर इस तरह की LED स्क्रीन्स लगाई हैं ताकि लोग बाहर देख सकें। और जो हमारी जो बड़ी चौपड़ है और ताल कटोरा है, वहाँ हमने आर्टिस्ट वगैरह रखे हैं ताकि वो भी कंटिन्यूटी हो सके। इसके अलावा जो प्रोसेशन में जो आर्टिस्ट होते हैं, उन आर्टिस्ट की संख्या भी हमने इस बार बढ़ाई, तो ये हम नया करने की इस बार कोशिश कर रहे हैं। शाही तीज की सवारी कह लो, सावन कह लो, या फिर आज का जो दिन है हरियाली तीज उसके बारे में कह लें, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। हरियाली तीज की बात जब मैं करती हूँ तो मुझे छोटी काशी की वो शाही सवारी याद आती है जो गणगौर पर भी निकलती है और तीज पर भी निकलती है और शाही ठाट बाट लवाजमे के साथ में निकलती है। और इसी को लेकर हम हमारे साथ में उपेंद्र जी मौजूद हैं, इनसे ज़्यादा जानकारी भी लेंगे। पर्यटन विभाग ने बहुत से नवाचार किए, इस बार के नवाचार ऐसे भी थे जो सभी के चेहरों पर और सभी की जबान पर भी है कि भाई फूल बरसाने की बात हो या फिर सिटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा करने की हो या सबसे बड़ी चीज़ डिजिटलाइजेशन करने की बात हो, क्या कहेंगे? आप खुद देख सकते हैं कि कितना सारा फॉरेन टूरिस्ट और कितना सारा लोकलाइट्स, कितना सारा इंडियन टूरिस्ट जितने कि तीज की सवारी को देखा है और उसको आनंद लिया है। उसका कोशिश ये रही कि फॉरेन टूरिस्ट के लिए हम हर बार कुछ ना कुछ करते हैं, बट इस बार उनके लिए एक्सक्लूसिव एक पूरा एरिना बनाया, पूर्णिमा की छत के ऊपर भी हमने बैठने की व्यवस्था की, साथ ही शहरवासियों के लिए वो जगह जगह देख सकें बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए, अल्बर्ट हॉल से लेकर ताल कटोरा तक, अपना छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, सभी जगह। कोशिश ये रही कि हम सब तक पहुंच सकें सबको तीज की सवारी का, क्योंकि आप देख सकते हैं वर्ल्ड सिटी में कितना भीड़ रहती है, ट्रैफिक बंद हो जाता है। साथ ही इस बार सरकार के भी पुलिस बैंड भी था, RAC का भी बैंड था, जेल बैंड भी था, और सवाई मान गार्ड बैंड जो कि सवाई मान सिंह जी के नाम से ही बाकायदा एक बटालियन बनी हुई है। पौंड्रिक पार्क पे ताल कटोरा पे पहली बार हम लोग कोई आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तीज माता की सवारी का समापन होता है, वहाँ भोग लगता है, तो वहाँ एक कल्चरल इवनिंग रखी हुई है। गौरव जैन एक बहुत काफ़ी रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, फायरवर्क्स वहाँ रखा हुआ है और बैंड वादन रखा हुआ है, तो ये सारे नवाचार जो हैं, इवन पैलेस और फोर्ट पे और मोनूमेंट्स पे हम लोगों ने सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए ताकि टूरिस्ट सेल्फी खींच सके और वो बाकायदा स्कैन करके उसको अपलोड भी कर सके। तो ये सारी कोशिशें रही कि तीज को और खूबसूरत बनाया जा सके। तीज तो देखिए वैसे बेहद खूबसूरत बन ही चुकी है, क्योंकि पुष्प वर्षा की बात या करूं या फिर बौछारों की बात करूं, भगवान ने भी तीज की सवारी को बहुत अच्छा बना दिया। और कहते भी हैं कि जब भी कोई शाही सवारी हो या कोई अच्छा त्यौहार हो तो जयपुर में बारिश ना हो ऐसा कह ही नहीं सकते, इसको लेकर भी अच्छी तैयारियाँ जो है वो की गई थी। तीज की परंपरा रही कि जब भी तीज की सवारी निकलेगी बारिश होनी होनी है, तो हमने बाकायदा वाटरप्रूफ टेंट्स लगाए ताकि टूरिस्ट को कोई दिक्कत नहीं आए, और यही खूबसूरती है। मौसम सावन का महीना है, बारिश अगर हो रही है तो तीज ये मेला है, आप देखें कि आसपास के 100 गांव के लोग बाकायदा तीज के मेलों को देखने के लिए आते हैं, और उसी को हमारा ट्रेडिशन आर्ट कल्चर जो है हम टूरिस्ट को रूबरू करा सकें, डिपार्टमेंट की ही कोशिश है।
इस बार जब तीज का ये तीज की सवारी हम देख रहे थे तो एक चीज मुझे नजर आई कि जितनी पिछली बार या गणगौर की मैं बात करूं उससे 2x ज्यादा लोग यहां पर थे तीज माता का दीदार करने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए। तो उसको लेकर भी तैयारियां पहले से कर ली गई थी, क्योंकि इस बार रूट भी 3 बजे लगा था, पूरी जो तैयारियां थी डाइवर्जन वो भी 3 बजे से ही हो रहा था। इस बार लग रहा था हमें, क्योंकि इतनी सारी हमने इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतना सारा मार्केट किया है तीज फेस्टिवल को, तो हमें उम्मीद थी कि अच्छी खासी भीड़ होगी। तो बाकायदा DCP मैम के साथ हमने मीटिंग की, CP सर के साथ मीटिंग की, कलेक्टर साहब के यहाँ से काफ़ी सारे ऑर्डर्स निकले हैं सभी डिपार्टमेंट्स के लिए। बैरिकेड भी आप देख सकते हैं कि छोटी चौपड़ गणगौरी बाजार तक बैरिकेड्स किया हुआ है, ताकि बैरिकेड के अंदर खड़े होकर लोग बाग देख सकें। तो ये सब मान के चल रहे थे कि अच्छी खासी भीड़ होगी, तो हमें भीड़ से कैसे उनको देख भी सकें और कोई अव्यवस्था भी नहीं हो। कह सकते हैं जितनी भी तैयारियां आपने की वो बहुत सफलपूर्वक यहां पर नजर आई हैं। ये थे हमारे साथ पर्यटन विभाग से उपेंद्र सिंह। साफ तौर पर कह सकते हैं जितनी भी तैयारियां प्रशासन की ओर से या विभाग की ओर से की गई थी उसका बहुत अच्छा फलस्वरूप हमें ये तीज की सवारी देखने को मिली, जहां पर कोई भी अव्यवस्था नजर नहीं आई, बल्कि ये जो राजस्थान की छठा बिखेरती हुई ये सवारी है और ज़्यादा खूबसूरत होती हुई नजर आई। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ मैं तृप्ति गौतम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जयपुर।